भाई किसने आखिर किसने पीना है आपको? पियोगी ना, वेट तो नहीं करोगी? चलो ठीक है, पी लो भैया, इनके लिए भी बना दो। पियोगी ना, वेट तो नहीं करोगी? चलो ठीक है, पी लो भैया, इनके लिए भी बना दो। यार कितनी मेहनत करता है ये लड़का, एक गन्ने का जूस निकालने में इतनी मेहनत। तो कभी यार गाइस, इन लोगों के साथ बार्गेनिंग मत किया करो। तो 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ इज़ वेरी जस्टिफिकेशन फॉर हर आम इंसान, क्योंकि जो इंसान इतनी मेहनत करता है उसके लिए इतना तो बनता है। तो भाई मैं आई थी नवीन मार्केट, मुझे काम था। तो नवीन मार्केट का जो व्लॉग आपने देखा है वो देख लेना, वो ईद पे मैंने बनाया था। दूसरा, आज दिवाली पे इतनी भीड़ बढ़ी हुई है, लेकिन आज बड़ी ख़ास बात हुई। वो क्या हुई है मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, पहले कुछ पी लूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। नगर निगम वाले आ रहे हैं तो स्टॉल सारे हट रहे हैं। हम जिस बुक के लिए आए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो अभी पूछ लेंगे कि कब तक अवेलेबल होगी, बिकॉज जो बुक आप पढ़ते हो वो आपकी पर्सनालिटी बनाता है। सो डू रीड बुक्स, आपकी आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी। तो भाई सुबह उठने के बाद एक सरप्राइज़ मिले, वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने सोचा है कि अभी हम घर से काम कर रहे हैं कुछ दिन, सो बहुत ज़रूरी है एक काम करना जो कि आपको मेरे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन एक जो सरप्राइज़ जो मुझे मिला, मुझे कितनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। सुबह सुबह आप उठो, ना आपका कोई गर्लफ्रेंड हो ना आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी पूरी लाइफ सिंगल है, और आपको कोई सरप्राइज़ दे। मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सरप्राइज़ किया पहले, और अब यू नो एक्सपेक्टेशन जब नहीं होती है तब आपको कोई सरप्राइज़ मिले तो कैसी फीलिंग आती है। सो ये रही वो फीलिंग, तो दो चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये रहा वो सरप्राइज़, अभी तक मैंने खोला नहीं है, ये सुबह आया था और ये अभी तक मैंने खोला नहीं है। आई डोंट नो कि क्या है, किसने भेजा है, ये मैंने इसी के ऊपर रख दिया है यार, ठीक है। सो ये है, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसको। ये था, किसी ने भेजा है, किसने भेजा है मुझे अभी तक नहीं पता है। सो मैं ये व्लॉग तो शूट कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं जब व्लॉग डालूँगी तो उनसे ये भी पूछूँगी भाई किसने, आखिर किसने। सो मैं कोशिश करूँगी ये व्लॉग दिवाली पे अपलोड करूँ। A few moments later. और फिर शाम को था धनतेरस, और धनतेरस के दिन हम चले गए सामान लेने। सभी लोग कुछ ना कुछ इस त्यौहार पे लाते ही हैं, और फिर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। इतनी सारी मार्केट देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ बाइक राइड पे बहुत सालों बाद। बस इतना ही था पूरे दिन भर का ब्लॉग। सो होपफुली आपने इंजॉय किया हो, तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।